बता दें आपको, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ पर रैली को संबोधित किया। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे यहाँ के तेगांव के विधायक बहुत ही जोरदार, मेहनती और एक संघर्ष करने वाले भाई राजेश नागर जी, पटौदी से हमारे विधायक और पार्टी के जिला प्रभारी श्री सतपराज रावता जी, जिला अध्यक्ष पार्टी के श्री गोपाल शर्मा जी, विधायक बहन श्रीमती सीमा त्रिखा जी, विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता जी, विधायक श्री नयनपाल रावत जी, विधायक श्री प्रवीण डागर जी, विधायक श्री सुभाष सुधा जी, श्री अजय गौड़ जी, श्रीमती नीरा तोमर जी, श्री संदीप जोशी जी, बहुत लंबी लिस्ट है। मंच पर बैठे हुए सभी हमारे, और जो सामने इतना बड़ा मंच है उधर बैठे और जनता जनार्दन में बैठे हुए सभी हमारे सज्जन वृंद, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, हमको मालूम है कि पिछले 2 वर्ष बहुत ही संकट के निकले हैं। कोरोना यानी COVID-19 जिसको हमने कहा, 2020 के मार्च में शुरू हुआ और आज मार्च 2022 है। बहुत ही दर्दनाक ये साल थे। मन में इच्छा होते हुए भी आप लोगों से मिलने का जो एक सिलसिला जारी रहना चाहिए था वो मैं रख नहीं पाया हूँ। बल्कि उस समय तो जो संकट था वो कैसे दूर हो, देश का नेता हो, देश का कोई सामान्य नागरिक हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर किसी को एक ही चिंता थी कि इस महामारी के संकट में से कैसे हम बाहर निकले। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस कोविड की महामारी से निकालने के लिए बहुत से इंतजाम किए, वैज्ञानिकों को परेशान किया, दवाइयां बनी, कोविड को किस प्रकार से भगाना है इसके लिए उन्होंने जो साहस, उत्साह, मनोबल, जन जागरण जिस प्रकार का किया, बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं धन्यवादी हूं उनका कि उनके प्रयत्नों से हम कोविड जैसी महामारी में से बाहर निकल आए हैं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि दोबारा से इस संकट में ना डालें हमको। मानवता के लिए खतरा था, दूर हुआ, लेकिन अब फिर सामान्य कामकाज में हम आ गए हैं। सभी प्रतिबंध जो कोविड के थे वो सारे समाप्त हो गए हैं। और आज उसके बाद हरियाणा में दोबारा से जो रैलियों का सिलसिला मैंने शुरू किया है, सबसे पहली रैली ये तेगांव में आपके बीच में आकर के मैं कर रहा हूं। भाइयों बहनों, अभी अभी बजट सेशन में से पूरा करके हम लोग आए हैं। साल में एक बार ये बजट का सेशन होता है सभी विधायक। इस बार बजट का सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा। लगभग 21 दिन का ये बजट का सेशन चला और विपक्षियों के पास भी किसी प्रकार का कोई मुद्दा बजट में से ऐसा नहीं मिला जिसमें से कोई उंगली उठा सके। हाँ, चूंकि नाम ही विपक्ष है इसलिए कुछ ना कुछ मीन मेघ निकालना ये उनका धर्म है। कहीं भी जाकर के कुछ भी बोलते रहे कि आपने ऐसा किया तो ऐसा नहीं किया, ऐसा किया तो ऐसा नहीं किया। हम में कुछ लोग पंजाबी भाषा समझते होंगे, पंजाबी में कहावत है, उसका हिंदी भी अनुवाद कर दूंगा मैं। कहावत क्या है? आटा गुंदी हिंदी क्यों है? अर्थात कोई महिला जब आटा गूंथती है तो उसके ऊपर आरोप लगाए कि आटा गूंथते हुए हिलती क्यों है। भाई महिला आटा गूंथेगी तो हिलेगी, बिना हिले तो आटा गूंथा नहीं जाता। अब इस प्रकार के आरोप हमारे कांग्रेस के मित्र, हमारे विपक्ष के मित्र सब लोगों ने खड़े होकर के बोला। जो बात हमारे कृष्णपाल जी कह रहे थे, भ्रष्टाचार की बातें तरह तरह की उन्होंने उठाई, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार, कांग्रेस जो है इस भ्रष्टाचार के कालख में लगातार जब तक उसने राज किया वो दबी रही है। और सही मायने तो भ्रष्टाचार के कारण से सारे देश में उनको एक एक प्रांत खोना पड़ गया। केंद्र में कभी आगे आने वाली नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है।
कांग्रेस का तो छोटा मोटा बचा हुआ विषय वो भी सारा खत्म हो जा रहा है।